एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग टुडे व्लॉग्स और मेरा नाम है निवेदिता। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखिए। मैं और मम्मी निकल चुके हैं मार्केट के लिए और देखिए रास्ते में कितना ज़्यादा ट्रैफिक तो हर जगह पर ही मिलता है। मैं सीरियसली बताऊँ, मैं सूरत जब गई थी ना तो मैंने देखा कि रास्ते इतने ज़्यादा चौड़े चौड़े थे ना कि ट्रैफिक मैंने वहाँ पर बहुत मुश्किल से एक दो जगह पर देखा, अदरवाइज़ मैंने कहीं पर भी ट्रैफिक नहीं देखा। हमारे इधर पे भी डेवलप हो रहा है लेकिन उतना डेवलप होने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही लगेगा, और पहले के जो घर बन चुके हैं उसको तोड़ना भी तो नहीं सही है ना। बट बहुत ट्रैफिक था इधर पे भी, और बनारस में ऑलरेडी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो हम पहुंच गए हैं मार्केट, और यहाँ इस मार्केट का नाम है रेती, जो गोरखपुर के होंगे जानते होंगे। जैसे बनारस में नई सड़क है जो बहुत सारे कपड़े उपड़े नहीं लगाते कट पीस में, फिर ये दुपट्टा गली है, तो इसी तरीके से कपड़ों का मार्केट है, ज्वेलरी कॉस्मेटिक हर एक चीज़ अच्छे रेट में इधर पे मिल जाता है। और देखिए लाइन से कितने सारे दुपट्टे नए नए, तो क्या क्या लेना था चलिए मैं आप सभी को दिखाई देती हूँ कि क्या क्या लेना था। तो हम पहुँच चुके हैं शॉप पे, और देखिए ये इस तरीके के सूट जो चल रहे हैं ना आजकल बड़े अच्छे लग रहे हैं, प्लाजो टाइप सा चिकन वर्क में। तो फिर हम यहाँ पर पहुँचे कॉर्नर पर, एक शॉप है, शॉप का नाम मुझे नहीं पता है, कितनी ज़्यादा भीड़ है पहले से ही, यहाँ पर हमेशा ही भीड़ रहती है जो कि हम टाइम से गए थे। और देखिए हल्दी और मेहंदी के लिए मुझे बनवाना था ड्रेस, तो उसी के लिए कपड़े लेने हम गए हुए थे। मैं लेने जाने वाली तो नहीं थी लेकिन सब लोगों ने बोला कि नहीं, मैंने सोचा कि मेरे पास जो है वही मैं पहनूंगी, तो सब लोगों ने बोला नहीं दूसरा बनवा लो अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी सबका मन है तो ले ही लेते हैं। और फिर उसके बाद कपड़े जब ले लिए तो फिर दुपट्टा लेने, दुपट्टा मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, और मुझे ऐसे भी मेहंदी और हल्दी वाला डिज़ाइन समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बनवाऊँ। मैंने कपड़े तो ले लिए लेकिन अभी तक मेरी समझ में नहीं आया है कि क्या मैं बनवाऊँ। दुपट्टे इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे थे, येलो दुपट्टा मुझे काफ़ी अच्छा मिल गया। ये जो अभी आपने देखा वो वाला मैंने नहीं लिया, दूसरा लिया है। जब प्रॉपर ड्रेस बन के आ जाएगा ना तो फिर मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि क्या मैंने बनवाया है और किस तरीके का बनवाया, ताकि आप सबको भी आइडिया हो सके। फिर उसके बाद हम निकल गए घर के लिए। पता है मैं शूट नहीं कर पाई रास्ते में, इस तरीके का ये वाला जो चना होता है ना ये बड़ा अच्छा लगता है, मैंने बहुत साल पहले खाया हुआ है, चटनी के साथ खाते हैं बड़ा अच्छा लगता है। और बेर लगा हुआ था, ककड़ी की सीज़न आ गया, खीरा तो मिलता ही लेकिन ककड़ी का भी सीज़न आ गया, तो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। ये सब चीज़ें मुझे बड़ी पसंद आती हैं, जब हम लोग गांव जाते थे ना अक्सर तो खाते थे। और मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ लिया, पता है मैंने बनारस में लिया था 80 रुपीज़ का और यहाँ पे मैंने 20 रुपीज़ का लिया, बहुत ज़्यादा ही लगा रखा लोगों ने। मुझे लग रहा है कि मुझे ज़्यादा यहाँ पे महंगा पड़ गया, क्या महंगी सिटी हो गई है क्या बनारस, काफ़ी महंगा मिल गया। और ये है काली माता का मंदिर जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग टुडे ब्लॉग्स और मेरा नाम है निवेदिता। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखें। मैं हो चुकी हूँ रेडी, वाशू के कपड़े सुखा रही हूँ कि जल्दी से सूख जाए, उसके बाद फिर मैं पैक करूँ, निकलना भी है आज ही हमें जाना है। वाशू को रेडी कर दिया नहला वहला के, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, बस खाना नहीं खाया, अभी नीचे जा रही हूँ तो खाना खाऊंगी। पहले इसके कपड़े थे, मैंने कहा थोड़ा सा सुखा दो इसका बनियान वगैरह, नहीं तो स्मेल आने लगेगी ना, तो प्रेस गरम करके बस वही सुखा रही हूँ। मैंने पहना है ये वाला टी शर्ट जो मैंने उस दिन लिया था, मुझे पता नहीं क्यों टी शर्ट और यही कंफर्टेबल लगता है ट्रैवल में, और कोई भी ड्रेस रहे मुझे कम्फर्टेबल नहीं लगता बिल्कुल भी। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा है। स्लीव कपड़े जो है वो सूख गए हैं, अब ले करके चलूँ नीचे ताकि हम लोगों को दिखाए ना कि मेरे पास दो घंटे। अच्छा ये देखो कितना स्टाइल से रखे हैं। अब कौन ब्लॉग में आएगा? एक बैग ले लो मम्मी के हाथ से, मम्मी के हाथ से लो। अब कौन ब्लॉग में आएगा? ये वाशू हो चुका है रेडी, इसके ऊपर अच्छा लग रहा है ये वाला चेक वाला। नहीं चलो सब लोग चलो, मम्मी जा रहे हैं, ये वाशू और ये जा रही हैं ये लोग। वासु का भी तुमको एक वीडियो दिखाएंगे क्षितिज, देखना कितना फनी है, अच्छा लगेगा तुमको बहुत। नहीं मम्मी वो तो तुम लोग जानती होगी। अभी देखना तुम वासु तुम्हारा वीडियो दिखाएंगे। आता है वो
परेशान नहीं, अभी देखना है इसका वीडियो दिखाएंगे। ब्लॉग में तो हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन मैं आप सभी के साथ में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आप सभी बोलते हैं कि जो चीजें आप मंगाती हैं वो हमें दिखाए क्या कीजिए कि आपने क्या क्या मंगवाया हुआ है। तो चलिए मैं दिखाऊंगी जो चीजें मैंने मंगवाई हुई है अमेजोन से मंगवाया हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अमेजोन पे अक्सर ये ऑफर चलते रहते हैं। जब भी मुझे कोई चीज पसंद आ जाती है मैं सेव कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं ऑर्डर कर देती हूँ। तो चलिए बिना देर के मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि क्या क्या मैंने मंगवाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगी, देखिए ये मैंने दो छोटू से यार्डली लंदन का ये परफ्यूम मंगवाया हुआ है। मुझे इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है, पॉकेट फ्रेंडली भी है। अक्सर ये ट्रैवल करना रहता है, अक्सर मेरा इधर उधर आने जाना रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये सही लगा कि मैं छोटा छोटा मंगवाऊँ, तो इसलिए मैंने ये मंगवाया। और इसकी कॉम्बो था, मतलब एक ही मैंने ऑर्डर किया था लेकिन दो आया और काफ़ी अच्छे प्राइस में आया। उसके बाद मैंने मंगवाया ये देखिए, अभी ओपन नहीं हुआ है, मेरा मस्कारा खत्म हो गया था और मैंने हमेशा ही बोला है कि मैं यही मस्कारा यूज़ करती हूँ, मुझे काफ़ी पसंद आता है। मुझे इसके अलावा मैंने कोई और ट्राई नहीं किया है, बहुत पहले ट्राई किया था तो मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैंने इस वजह से यही वाला यूज़ करना स्टार्ट किया। तो ये है मैबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा। और उसके बाद मैंने मंगवाया एक छोटू सा रेनी का, ये है लिप ग्लॉस है, ये मैंने अभी अप्लाई भी किया हुआ है और इससे लिप जो है ना इतना मॉइस्चराइज हो जा रहा है और हल्का सा इसमें ना टिंटेड है, ये कलर टिंटेड है, लाइट ऑरेंजेस में है। और भी कलर आपको चाहिए, अगर आप पिंक पसंद करते हैं तो पिंक भी मिल जाएगा, कई सारे ऑप्शंस हैं कलर के। और इसका बॉटल मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगी, कितना प्यारा क्यूटू सा है। सब मैंने ये ट्रैवल की वजह से ही मंगवाया है, देखिए कितना छोटू सा है, बिल्कुल इतना, मेरी एक उंगली भी नहीं आ रही है, इतना छोटा सा है। अभी तो ट्रैवल करना स्टार्ट किया है मैंने और अभी दो चार दिन बाद फिर से हमें जाना है, तो इस वजह से मैंने कहा छोटा छोटा मंगवा लेती हूँ, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है, ये सही रहती हैं सारी चीज़ें। और अगेन परफ्यूम मेरे सारे के सारे ख़त्म हो गए थे, और कुछ तो पिछली बार जो मैंने मंगवाया था वो वाला घर पे दे दिया था। तो ये देखिए बॉडी स्प्लैश, और इसमें फोर आपको मिल जाते हैं अलग अलग फ्रेग्रेंसेस, और काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है इसमें, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेग्रेंसेज है ये। मैंने फोर जानबूझ के मंगवाया कि एक तो ये पॉकेट फ्रेंडली भी होता है और फ्रेग्रेंस अलग अलग मिल जाते हैं। मुझे प्राइस तो याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, लेकिन बहुत अच्छे प्राइस में मैंने मंगवाया, काफ़ी अच्छा स्प्रे है ये। वाह, मैं तो कपड़े पे लगा लेती हूँ इसी तरीके से, लेकिन गर्ल्स को यहाँ पे लगाना चाहिए, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। और यहाँ पे तो मुझे लगता है ना कि ये चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी चीज़ें होती है ना तो ट्रैवल में हम नहीं ले जा पाते हैं। तो मेरा मेन पर्पस यही था कि मैं ट्रैवल में अक्सर जाती हूँ तो मंगवाऊँ। तो देखिए मैंने इतने सारे परफ्यूम्स मंगवा लिए, और ये मैंने मंगवाया है बायोटिक का टोनर हनी वाटर, इस बार मैंने मंगवाया हुआ है। मैंने ये एक ही ऑर्डर किया हुआ था लेकिन मुझे दो मिला है, कॉम्बो में था ये, काफ़ी अच्छा है ये, नेचुरल होता है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो मैं ये बायोटिक का मैक्सिमम यूज़ करती हूँ। और मैंने एक ही ये मंगवाया हुआ है, अभी ओपन नहीं किया है इसको भी, मामा अर्थ का ये वाला लिप शेड, इसका लिप शेड है 08 पिंक ट्यूलिप, ये है इसका शेड नंबर, आप देख सकते हैं। इसके पहले जो मैंने मंगवाया था वो अगेन मैंने सिस्टर को दे दिया, तो मैं इसी तरीके से करती रहती हूँ, जो पसंद आ जाता है दे देती हूँ, फिर उसके बाद फिर मंगवा लेती हूँ, क्योंकि इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो इसमें सारे कलर्स बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। अभी मैंने जस्ट इसको ओपन किया है, मैं कलर भी ट्राई करा देती हूँ, बहुत ही प्यारा कलर है, मतलब ये सब कलर ऐसे होते हैं ना कि सारे ड्रेसेस पे चल जाते हैं। इसको अगेन इसी तरीके से पैक कर दिया, और इसके बाद मैंने मंगवाया, कुछ चीज़ें आई हैं, कुछ चीज़ें भी मेरी नहीं आई हुई हैं, पर जितनी आई हैं मैं उतना आप सभी को दिखा दे रही हूँ। ये देखिए ये क्या है, मैं बताती हूँ क्या है, गर्मी आ गई है, आइस लगाते ही हम अपने फेस पे, तो मैंने उसके लिए मंगवाया है आइस, इसमें बनता है, इसमें से इसमें पानी डाल दीजिए, रोज़ वाटर डाल दीजिए, या फिर टोमेटो जूस जो भी आप मिक्स करके भी ऐड करना चाहे कर सकते हैं, फिर इसको फ्रीज़र में रख दीजिए, जब ये जम जाएगा उसके बाद फिर आप इसको इस तरीके से ओपन करके, और इसमें पूरा बर्फ आ जाएगा ऐसे करके लगाइए, हाथों में नहीं लगता, मेरे हाथों में तो इतना लगता है ना कि जलन होने लगती है, बहुत काफ़ी स्ट्रांग भी है ये, मुझे लगा प्लास्टिक का होगा लेकिन प्लास्टिक का नहीं है, ये कुछ रबड़ जैसा है ये। इधर से पानी भरिए, अब कल मैं इसको ट्राई करूँगी, इसको रखूँगी उसमें। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने मंगवाया हुआ था, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो आएंगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी दिखा दूँगी आप सभी को। इसमें से आपको कुछ भी लेना हो तो आप सभी डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगी, कमेंट में भी पिन कर दूंगी ताकि आप सभी इजीली पहुंच जाएं जो भी मैंने लिया हुआ है, और आज तक मैंने क्या क्या शॉपिंग किया हुआ है इसका भी लिंक आप माय हॉल स्टोर पे जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन में जो है, वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं कि आज तक मैंने क्या क्या शॉपिंग करी हुई है, और ऑफर चलते रहते हैं तो इसका भी फायदा उठाइए कीजिए। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे बाद में, और आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, आप सभी ब्लॉग में बने रहिए। चलो पैर छुओ, हाँ हिमालय।
नहीं जा रहे हो क्या? जा रहे हैं। एक विंडो ओपन करना। हाँ मम्मी तुम भी चल के लो। चाबी कहाँ? बाय बाय नानी। ये अपने फ्रेंड को बाय कर रहे हैं उसे। उसका फ्रेंड इसका यही एक फ्रेंड है, इसका नंबर लिया है। बोलो मम्मा नानी गई। बाय कर दूंगा। ये ना रास्ते में कुछ बना हुआ था कि इस तरीके से स्टैचू योगा करते हुए, मुझे बड़ा यूनिक सा अच्छा सा लगा तो इसलिए मैंने शूट कर लिया। और ये है हमारे उधर का स्टेशन। आप सभी का रेलवे गोरखपुर स्टेशन में स्वागत है। आप सभी आइएगा गोरखपुर कभी घूमने के लिए, अच्छी सिटी है नो डाउट। गोरखनाथ मंदिर जो है काफ़ी अच्छा है। आप सबने तो मे बी हो सकता है देखा ही होगा, मेरे ब्लॉग में मैंने दिखाया भी है और ऐसे भी दिखने को मिल ही जाता है। थोड़ा सा व्यू दिखाओ ना तो अच्छा लगता है, ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए मैं आप सभी को थोड़ा सा ना व्यू भी दिखा देती हूँ कि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। और आज तो मैंने प्रॉपर स्टेशन का दिखाया आप सभी को। वैसे भी अच्छा लगता है कि ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारे इधर का। और अभी तो मैंने देखा कि आगे और बन रहा था तो मैंने कहा कितना लंबा बनवाएंगे भैया, लग रहा है कि पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ देंगे क्या। बट सही है, जब से योगी जी सीएम बने हैं तब से गोरखपुर को काफ़ी लोग जानने लगे हैं। बैग तो निकालो आशु, दोनों बैग निकालो। कहाँ जाना है दूसरे पे? सो गए हो तुम तो। ये मुझे दो, तुम बस अपना बॉटल ले लो। ये मुझे दो, नहीं तीन पे। चलो ठीक है, चलो बाय बाय। हेलो बाय आशु। ये यहीं पे रहेगी, आगे नहीं जाएगी। रुको मैं पकड़ रही हूँ। तुम लोग कहीं से लड़ना शुरू हो गया? इन लोग का लड़ना यहाँ पर भी शुरू हो गया। सेंड कर देंगे। ठीक है कर देना। चलो चलो आशु। अच्छा स्टेशन पे लड़ाई तुम लोग करने लगे। हाँ तो गया लो। ये इधर से सीढ़ी है लेकिन फिर इधर आना पड़ेगा ना, फायदा क्या हुआ इसमें। चलो धीरे धीरे चलते हैं। ये हमारी ट्रेन आ चुकी है। हाँ चलो ठीक है, बाय बाय। जाओ 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 जा। हाँ सर ठीक गया। रास्ता पूछ रहा, बहुत आगे थी ना ट्रेन। हम बैठ गए ट्रेन में और ट्रेन अभी 5 मिनट में चलेगी। क्या हुआ? बहुत दूर था यार ट्रेन, बहुत दूर था। अभी तो मैक्सिमम ट्रेन जो है वो खाली है, पूरा तो खाली है। इधर बस कुछ लोग इस साइड में हैं, कुछ लोग इधर, कुछ लोग बैठे हुए हैं, बाकी अभी खाली है। इधर वाशु बैठा हुआ है और इधर मैं हूँ। अपना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं भूल गई, मेरा चश्मा। उसके बिना मेरा काम चलता नहीं है, अब क्या करूँगी। इधर ये है हमारे उधर का फॉरेस्ट, कुसमी। इस फॉरेस्ट का नाम है कुसमी। वाशु की तबीयत नहीं ठीक है तो मैंने इसको बोल दिया कि तुम लेट हो, रेस्ट करो। घर पे भी रेस्ट ही ज़्यादा इसको करवा रही हूँ, जब रेस्ट नहीं कर रहा तो खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है इसकी। ये देखो जंगल, इसमें पता नहीं क्या क्या है लेकिन एनिमल्स हैं। अभी तो काफ़ी कम हो गया, पहले और ज़्यादा था इस तरीके से।
का है, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा है। हम लोग पहुंच गए हैं और हम लोग आज सिटी पे उतर गए क्योंकि कैंट ले जाने पे बीच में रोक देता, टाइम लगाता है। हमने कहा इधर ही रुक जाते हैं और हम वेट कर रहे हैं पापा का। हाँ, पापा का वेट कर रहे हैं। आज वाशु के पापा आएंगे लेने। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे चले। हाँ, यहाँ पे वाशु जो है अपने पापा का वेट कर रहा है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, काफ़ी दिनों बाद मिल रहा है। ऐसे तो मिलना भी काफ़ी टाइम पे होता है, परमानेंट जैसा कि मैंने बताया वो यहाँ पे नहीं रहते हैं, बट फ्लैट का काम चल रहा है तो मैं नहीं थी तो उन्होंने ही पूरा काम देखा, तो आना जाना था लेकिन बीच बीच में आके काम भी देख रहे थे और थे तो उन्होंने बोला कि मैं हूँ तो मैं आ जा रहा हूँ लेने तुम लोगों को। तो बस देखिएगा अभी वाशु की खुशी कितना ज़्यादा खुश हो जाता है देख करके, सच में बहुत अच्छा लगता है, मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। हाँ हाँ, इधर आइए। देख लिया है वाशु, पापा ने देख लिया है, ये एकदम खुश हो रहा है, पापा आ गए इनको लेने। बहुत हेलो हेलो, क्या ये हेलो कर रहा है? चॉकलेट से हेलो हो रहा है। चॉकलेट चले, चलो अब चले। किधर से? हम पहुंच गए बनारस और अब हम जा रहे हैं रूम पे। पापा इनके आगे आगे जा रहे हैं और मैं और वाशु पीछे पीछे जा रहे हैं। चलो आ गए हम अपने घर में। आइए, आपका इंतजार था। कहाँ है, दिख नहीं रहे। फाइनली अपने घर में आ गई, दिनों बाद, 2 दिन के लिए गई थी और इतना टाइम लग गया। तो कैसा लग रहा है? पेट कैसे भर गया? क्या खाए थे? अच्छा ठीक है, हेलो तो कर लीजिए सबको। हाय, चलिए वाशु आओ, पापा जा रहे हैं। हाँ चलो चलो, अगली बार आएगा तो रुकेगा एक दिन। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ड्रीम में आएंगे। ध्यान से जाइए। ओके, ये तो भूल रहे हैं आप, ये तो भूल रहे हैं। बाय बाय। अभी तो ये गए और अब मैं जा रही हूँ, सबसे पहले फ्रेश हूँ, मुंह हाथ पैर वैर धुल के, उसके बाद फिर मैं आप सभी से मिलती हूँ और मुझे एक वीडियो भी शूट करना है अभी जस्ट, तो पहले कुछ खा लूँ उसके बाद मैं वीडियो शूट करूँगी, देन उसके बाद आप सभी से मिलूँ। अभी जो मैंने वीडियो बनाया वो क्लिप तो पहले ही ऐड हो जाएगा क्योंकि टाइम होता है ना एक ऐड करने का, और ये सारी चीज़ें देखी मैंने सब यहीं पर रखा हुआ है, अब इसको रखने जा रही हूँ। ये इधर पर रखा हुआ है, वो उधर पर रखा हुआ है, अभी कुछ कपड़े हैं वो भी मैंने मंगवाया था, वो भी आने वाला है। जो चीज़ें आ गई थी वो मैंने दिखा दिया, कुछ चीज़ें आने वाली हैं तो वो मैं बाद में दिखा दूंगी, अभी आई नहीं है तो। और ये तो तुरंत ही चलेगा तो मैंने कहा सबसे पहले मैं वीडियो कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे भी नींद आ रही है बहुत तेज से, वीडियो कंप्लीट करने के बाद फिर सोऊंगी मैं। खाना हमने खा लिया है वाशु और मैंने, खाना क्या खाया, पास में शॉप था, काफ़ी अच्छा खाना देते हैं वो लोग घर के जैसा बना हुआ, तो रोटी सब्जी लेकर के आई थी मैं, वही हमने खा लिया और अब वीडियो को एंड करने का टाइम हो चुका है। तो चलिए, वाशु टीवी देख रहा है, काफ़ी दिनों बाद आया तो मम्मा मैं अपने टीवी में देखूंगा, मैंने कहा चलो ठीक है देख लो भाई।
चाह रहा था कि पापा रुके लेकिन नहीं रुक सकते थे अभी फिलहाल। क्या कर रहे थे? हाँ। किचन में क्या कर रहे थे बताओ? नया वाला लाइटर चेक कर रहे थे। अब आशु ने भी कुछ मंगाया हुआ है, मैं दिखाती हूँ आप सभी को। पॉज करो, दिखा दो क्या मंगवाया है। ये देखिए शार्पनर है इसमें और स्टैंड है पेंसिल वेंसिल रखने के लिए और इसमें लाइट भी जलती है। लाइट जलाओ, देखिए चल रहा है ना लाइट। ये हम लोग लाइट में आए हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? ये मुझे भी बड़ा क्यूट सा लगा। तो वाशु बहुत दिनों से कह रहा था मम्मा ले लीजिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है ले ही लेते हैं, तो एक ले लिया मैंने। ब्लॉग का मैं एंड करने जा रही हूँ वाशु। और एक लाइटर भी मैंने मंगवाया काफ़ी अच्छा ऑनलाइन ही। ये वाशु इसका वो है, इसमें लगेगा ऊपर वाले बोल, इसको खोना मत, ये लगेगा ऐसे वॉल में लगेगा और उसमें लाइट लगाएगा। देखती हूँ अगर कहीं लगवाने लायक रहेगा तो लगवाऊंगी। और मैंने लिप ग्लॉस जो मंगवाया हुआ है ना, आप सभी वीडियो में देखा ही होगा, वो मैंने लगाया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा है, आप सभी को ट्राई करना चाहिए। चलिए वीडियो कहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर पहली बार हो गया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर। वाशु का ये शर्ट अच्छा लग रहा है ना, अभी न्यू मैंने लिया था, मैंने सोचा था कि जाना है तो वहाँ पर लेकर के जाऊँगी पहना करके, तो आज आते टाइम में मैंने कहा चलो पहन लो, कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन इसको मैं वॉश कर दूंगी और जब ये वाशु जाएंगे हम लोग घूमने तो फिर इसको पहनाऊंगी वापस से, क्योंकि अभी तो जस्ट लिया ही है, तो ऐसा थोड़ी एक बार पहना के फेंक दूंगी। चलिए ठीक है, बाय बाय बाय।